कि हम लोग इस साल भी राज्य के सभी जिलों का भ्रमण कर हम लोग एक, जैसे आप लोग हो सकता है पत्रकार मित्रों में भी बहुतों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत सार्वजनिक तौर पर इस बात की चर्चा नहीं होती है, इसलिए उसको सार्वजनिक पटल पर लाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोगों को कष्ट दिया है। एक राज्य सरकार का संकल्प 2018 का है, ये संकल्प संख्या है 2049 दिनांक 25/6/18 का, ये है झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष। अब ये क्या है इसके बारे में हम संक्षेप से बता देते हैं और विस्तार से इसलिए बताने से परहेज करेंगे कि आप लोगों को जो किट दिया गया है, जो फाइल दी गई है, उसमें राज्य सरकार का संकल्प भी है और आयोग की प्रेस विज्ञप्ति भी है। संक्षेप में विज्ञप्ति में बातें कही गई हैं और विस्तार से संकल्प में उन संकल्प में किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उसकी चर्चा की गई है। हम आप लोगों को एक बातचीत के क्रम में ये बताना चाहेंगे कि आयोग जो जिले का भ्रमण करेगा तो उस भ्रमण में होगा क्या। उसमें होना ये है कि राज्य जो झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष है वो ये है कि आप अगर सरल शब्दों में हम आपको बताएं कि जिनको राशन कार्ड मिला हुआ है उनको तो राशन उपलब्ध किया जाता है या कराया जाता है या उसका प्रावधान है, नहीं कराने पर आयोग सुनवाई करता है, दंडित करता है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जिन गरीबों के पास खाद्यान्न का संकट है और किन्हीं कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो उनको भी राशन उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है और उसी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए इस कोष का गठन किया गया है 2018 के संकल्प के माध्यम से। ये कोष वो कोष है जिसमें हर पंचायत को और नगर निकाय के हर वार्ड को 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है और उस राशि से ऐसे लोग जो NFSA के तहत आच्छादित नहीं है, मतलब जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, और यदि किन्हीं का राशन कार्ड बना हुआ है और किसी तकनीकी और किसी प्रशासनिक वजह से उनको राशन नहीं उपलब्ध हो रहा है तो ये पंचायत और उस वार्ड के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उसकी जिम्मेवारी है कि वो 10,000 रुपये की राशि से बाजार मूल्य पर राशन खरीद कर 10 किलो चावल उस लाभुक को पहुँचाएंगे, वो योग्य लाभुक को पहुँचाएंगे। योग्य लाभुक की परिभाषा क्या है वो संकल्प में विस्तार से बताया गया है, जिस संकल्प की प्रति आप लोग को दी गई है। कमोबेश सार में बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के संकट के अभाव में उसकी जान न जाए, इसीलिए इस कोष का गठन किया गया है कि कोई ये तर्क न दे कि राशन कार्ड नहीं था तो अनाज नहीं दे पाए या अंगूठा नहीं लग पाया तो राशन नहीं दे पाए, मतलब कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस कोष का गठन किया गया है। और ये कोष पंचायत में मुखिया को उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है, नगर निकाय में उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है, और अगर उपलब्ध कराया गया है तो क्या उस कोष को इस्तेमाल कैसे करना है, ये चूँकि पंचायत की प्रथम स्टेज की निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आयोग ने ये तय किया है कि हम जिले में जाएंगे, जिले में उस जिले के जितने प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे समीक्षात्मक बैठक करेंगे, उनसे इस आशय की जानकारी लेंगे कि क्या उन्होंने उस फंड को हर पंचायत में उपलब्ध करा दिया है। हालांकि मूलतः संकल्प में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत ये जिले के उपायुक्त की जिम्मेवारी है और उपायुक्त को राशि स्थानांतरित की जाएगी, वो राशि फिर प्रखंड में पहुँचे ये उपायुक्त की जिम्मेवारी है। तो प्रखंड में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है और प्रखंड में अगर पहुँचा है तो उस प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुखिया को राशि दी है कि नहीं दी है, और अगर दी भी है तो इस कोष की राशि को खर्च कैसे करना है, इस आशय की जानकारी मुखिया को दी गई है कि नहीं दी गई है। और इस भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत जामताड़ा जिले से, और इसमें एक पिछले कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अंतर आयोग ने यह किया है कि चूंकि आयोग के पास सदस्य की संख्या कुल सृजित पद है 5, लेकिन आज के तारीख में हमारे पास सिर्फ 1 सदस्य हैं सपना प्रवीण जी, और मुखिया संवाद जो कार्यक्रम हमने किया था तो उस कार्यक्रम के दौरान चूँकि हम जनसुनवाइयाँ भी करते थे इसलिए एक्ट के प्रावधान के अनुसार आयोग खाद्य आयोग जो भी सुनवाई करेगा तो ज्वाइंट बेंच ही सुनवाई कर सकता है, एकल बेंच नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जनसुनवाई हम लोग नहीं करेंगे और हम लोगों ने हम
अलग जिलों में जाएंगे, हमारी सदस्य अलग जिलों में जाएंगी और इस अभियान की शुरुआत जामताड़ा जिले से मैडम करेंगी। तीन तारीख से मैडम शुरुआत करेंगी। पहले क्रम में जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये शुरुआती चार जिले हैं। उसके बाद फिर हम देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, इन जिलों का करेंगे। उसके बाद हमने लक्ष्य ये रखा है कि हम 15 अगस्त तक इस योजना से संबंधित जानकारी देने और उससे संबंधित समीक्षात्मक बैठक करने का हर जिले में, मतलब पूरे राज्य में 15 अगस्त तक हम ये कार्यक्रम संपन्न कर लें, ताकि झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी हो। और इस बैठक के दौरान वीडियो को ये बताया जाएगा कि अगर किसी पंचायत में किसी की खाद्यान्न के अभाव में मौत होती है या विषम परिस्थिति पैदा होती है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायतों की निगरानी करना प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। और इसी आशय की बात सब तक पहुंचाने के लिए आयोग इस अभियान की शुरुआत कर रहा है और इसी अभियान की जानकारी देने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था, आप लोगों को बुलाया था। अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो स्वागत है। सर, इसमें एक सवाल है कि आपने कहा 15 अगस्त जी, ये मान सकते हैं 15 अगस्त सभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन उपलब्ध हो जाएगा? नहीं, तब आप हमारी बात समझ नहीं पाए या हम आपको समझा नहीं पाए। राशन उपलब्ध कराना जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी ये है इस एक्ट के आलोक में जो संकल्प बनाया गया है, वो संकल्प ये है कि किसी की भूख से मौत ना हो पाए। किसी की भूख से मौत होने की स्थिति है और उसे इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया तो अधिकारी चिन्हित करके दंडित किए जाएंगे। राशन उपलब्ध कराना मतलब अगर किसी को इस विषम परिस्थिति है और वो वहाँ मुखिया तक वो नहीं जा पाया, मुखिया को जानकारी नहीं मिल पाई, ऐसे स्थिति को ही अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बहुतों को ये पता नहीं है। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं नहीं बता पाया, जो कई अधिकारियों को भी इस आशय की जानकारी नहीं है कि इस संकल्प में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत किसी को मदद की जाती है तो वो पंचायत और संबंधित निकाय की जिम्मेवारी है कि वो जिला प्रशासन को इस आशय की जानकारी दे कि अमुक आदमी को इस फंड के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। फिर वो जिले की जिम्मेवारी होती है कि उस व्यक्ति का राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। तो ये सारी योजनाएं हैं और प्रावधान हैं, इन योजनाओं और प्रावधान को जन जन तक पहुँचाने के अभियान के तहत ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये देखिए, कोई भी चीज़ें रातों रात नहीं सुधर सकती हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पिछले अभियान के तहत ही कहा था कि जब तक लोग नहीं जानेंगे, और जैसा आपने कहा, अगर इसी को, चूंकि मैं ग्लास में आधा खाली नहीं देखता हूँ, आधा भरा हुआ देखता हूँ, मैं इस रूप में भी ले सकता हूँ कि हो सकता है कि आयोग के प्रयासों के कारण ही लोग अब सड़कों पर उतरने लग गए, लोगों में जागरूकता आई है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना। मैं ये क्या कह रहा हूँ, कोई भी आयोग, कोई भी संस्था अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक सबका सहयोग न मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का दबाव बने, और मैं इसको आयोग की असफलता नहीं मानता हूँ, मैं आयोग की सफलता मानता हूँ कि आयोग ने जो मुखिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाई है कि आपका अधिकार क्या है, आपको अधिकार कैसे लेना है। लेकिन आयोग इस बात का पक्षधर नहीं है कि आप सड़क पर उतरे, आयोग इस बात का पक्षधर है कि आप अपनी शिकायत आयोग तक दर्ज कराएं। आयोग अगर कार्रवाई न करे, आपको न्याय न मिले, तब आपके पास सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया सबको शिकायत करनी चाहिए, अगर कोई डीलर मनमानी करता है तो आयोग को शिकायत करे, क्योंकि हम एक संविधान के तहत चलते हैं, संविधान में सारी चीज़ों के हक पाने के व्याख्या की गई है, उसी के तहत आयोग का गठन किया गया है। आप पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि लोगों को ये बताएं कि आप सड़क पर जाना एक विकल्प है, लेकिन वो अंतिम विकल्प है, उससे पहले के जो विकल्प हैं वो सारे आप तलाश लें, उन विकल्पों के बाद अगर आपको न्याय न मिले तो फिर आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए स्वतंत्र हैं। ये देखिए अशोक जी, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आप जानते हैं कि आयोग की एक सीमा है और आयोग के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई ताकत निहित नहीं है एक्ट के तहत। हम अनुशंसा कर सकते हैं और अनुशंसा करते हैं, बकायदा इस तरह की कोई प्रमाणिक शिकायत आए तो आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता है भ्रष्टाचार के मामलों में। ये अब जो उसके लिए जो संस्थाएं हैं वो कार्रवाई करेंगी। आयोग सिर्फ अनाज नहीं मिल रहा है तो उसको मुआवजे के साथ अनाज उपलब्ध करा दे, यही एक्ट ने हमको अधिकार दिए हैं और हमको जो अधिकार दिए हैं हम उसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। जितनी क्षमता है उतना तो कर ही पा रहे हैं। मतलब मुझे देखिए, मेरा ये मानना है कि हम रोने में विश्वास नहीं रखते, जो है उसी से क्या पा सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं, और होते तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो हम बैठ जाएं, इस सोच के हम धारक नहीं हैं और हम इसमें भरोसा नहीं रखते। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.